Hello YouTube family. Hello, today we're going to Cornwall and you're coming with us, so let's go. But at least we have one spare. The wobbly one. Hi. Hi. Your turn. Okay, let's take your phone. हेलो YouTube फैमिली, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव, बल्कि आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट ड्राइव। हम आज सफ़र करेंगे कोई 260 माइल 260 माइल्स का। अगर आप किलोमीटर में देखें तो ये बनता है 415-16 किलोमीटर्स, 415-16 किलोमीटर्स। आज हम लंदन से जा रहे हैं कॉर्नवॉल। जैसे आपको भी पता है कि हर मुल्क के ज़्यादा जगह तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो देखने के काबिल होती हैं। बहुत खूबसूरत नेचर, कुदरती माहौल। तो जो कॉर्नवॉल है ये भी इसी तरह की एक जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। तो हम ये आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी इस जर्नी को शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमने अपना सफ़र शुरू किया लंदन से और हमें लगेंगे इसको लगभग 4 से 5 घंटे इसको कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से A to C पॉइंट तक। उम्मीद करते हैं रास्ते में रश नहीं होगा, तो अगर तो ट्रैफिक पड़ती है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमें। लेकिन मंडे का दिन है, आज सोमवार का, और छुट्टियां यहाँ पे स्कूलों में हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं रश नहीं होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी तरह और भी बहुत से लोग जा रहे होंगे वहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम M4 ज्वाइन कर रहे हैं। M4 हमें लेके जाएगा ब्रिस्टल तक। ब्रिस्टल से हम फिर लेंगे M5, वो हमें लेके जाएगा एक्स्टर जो है डेवन में। तो हम फुल वीडियो भी इस जर्नी की आपके साथ शेयर करेंगे, फुल कंप्लीट ड्राइविंग टूर। और बाकी ये भी हम आपके साथ व्लॉग भी थोड़ी बात करते रहेंगे थोड़े टाइम के बाद। काफ़ी लंबी जर्नी है, लंबा सफ़र है, तो अगर हम ब्रेक ना लें तो हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। ब्रेक लेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो टाइम ज़्यादा भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमें रश नहीं मिलेगा आगे, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ज़ाहिर है लंबा सफ़र है, उसमें कहीं पे भी कोई अगर मसला होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है उसमें। तो हमारे साथ रहिएगा, तो हम आपके साथ भी बात करते रहेंगे और आपको दिखाते भी जाएंगे अपनी जर्नी। जी दोस्तों, अभी हम M4 के ऊपर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, M4 जो है ये लंदन से शुरू होके ब्रिस्टल तक जाती है, जो कि वेल्स है। इंग्लैंड से वेल्स जाती है। बहुत से लोगों को UK और इंग्लैंड में फ़र्क नहीं पता। वो बेसिकली क्या है कि UK जो है वो 4 छोटे स्टेट्स मिलके उन्होंने एक यूनियन बनाई है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। और इन सब की अपनी अपनी जो है वो पार्लियामेंट है और फर्स्ट मिनिस्टर्स भी हैं। तो इंग्लैंड जो है वो एक डिफरेंट कंट्री है, स्कॉटलैंड डिफरेंट कंट्री है, वेल्स डिफरेंट है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो उन सब की, जैसे मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट जो है वो पार्लियामेंट है। तो M4 लंदन से शुरू होके ये आपको वेल्स लेके जाती है ब्रिस्टल। हमारी गाड़ी तो खैर आपको नज़र नहीं आ रही। बंदों के बैठने की थोड़ी जगह है, जितना सामान हमने रखा हुआ है इसके अंदर 7 बंदे बैठे हुए हैं और सामान भी अच्छा खासा है। और ये आगे भी आप एक गाड़ी देख सकते हैं हमारी तरह, वो भी उन्होंने जिस जगह पे जो हो सकता था उन्होंने सामान वहाँ पे घुसा दिया। तो अब मुझे लगता है कि वो तो लेटे ही होंगे किसी तरह इधर उधर, क्योंकि बैठने की जगह उस पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी YouTube फैमिली, अभी 11:11 हो गए सुबह के और हमें चले हुए कोई 40 मिनट हो चुके हैं, 40-50 मिनट। और 50 माइल हम कर चुके हैं, किलोमीटर में आप समझ लें कोई 75-80 किलोमीटर हम कर चुके हैं। और अभी भी हमें जो सेट नैप बता रहा है वो कह रहा है 3.5 घंटे हमें लगेंगे, वो भी अगर हम रुकेंगे नहीं, अगर हम ब्रेक लेंगे तो फिर ज़रा ये टाइम बढ़ जाएगा। तो आपके साथ रास्ते के छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर कर रहे हैं हम। बोलना मेरी इतनी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, कोशिश करूँगा आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो वैसे बोलना भी एक फ़न है जो मुझे नहीं आता, कोशिश करूँगा सीख जाऊँ। आप हमारे साथ रहिएगा, तो आगे भी आपके साथ हम ये जर्नी कम्प्लीट करते हैं। YouTube फैमिली, ये आपको सर्विसेज नज़र आ रही हैं। ये सर्विसेज का बोर्ड है। सर्विसेज एक्चुअली ये जो है वो रेस्ट एरिया है, आप वहाँ पे जाएँ। रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा वॉशरूम्स हैं, अगर आपने शावर लेना है तो शावर की भी जगह है, होटल भी है, अच्छी खासी पार्किंग होती है, आप वहाँ पे रेस्ट करें। ये इसलिए है कि अगर आप थक गए, गाड़ी चलाते हैं, चाय पीनी है, कुछ खाना पीना है, तो आप वहाँ पे रुकें। टॉयलेट जाना है तो आप वहाँ पे रुक के थोड़ी रेस्ट करें और बोलें। ये जगह जगह पे होती हैं, तकरीबन एवरी 40-50 माइल्स के बाद ना ये होती है। अगर किलोमीटर्स में देखें तो 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मैक्सिमम ना उस रेंज में ये सर्विसेज आती हैं। तो ये जगह जगह पे ना मोटरवेज पे बनी होती है। तो अभी हम सफ़र कर चुके हैं तकरीबन 75 माइल्स, जो कि अबाउट 150 किलोमीटर है। और अभी भी हमें 2 घंटे और 55 मिनट लगेंगे आगे के, और हमारे 183 माइल्स रहते हैं किलोमीटर्स में, अराउंड 320 मेरे ख्याल से किलोमीटर्स होंगे। तो साथ रहिएगा हमारे। दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रही है ये गंदम है, गंदम लगी हुई है, और अच्छे खासे बड़े रकबे में ये लगी हुई है। यहाँ पे गंदम भी होती है, पीछे जो है वो कॉर्न भी थी, मकई भी थी। तो आगे आएगी तो मैं ज़रूर आपको फिर दिखाऊंगा। तो फसलें तकरीबन सभी होती हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक जमा होना शुरू हो गई है। वो पॉसिबली इसलिए है कि अभी हम ब्रिस्टल पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ से आगे ब्रिस्टल का एग्जिट है, तो ये रोड वर्क्स भी हो रहा है, इस वजह से ट्रैफिक जो है वो 50 लिमिट्स है यहाँ पे मोटरवे पे। तो 50 से ऊपर हम कोशिश करेंगे ना जाएं। अगर तो एवरेज कैमरे नहीं लगे हुए तो फिर तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऊपर, लेकिन मोस्टली जो है ना यहाँ पे एवरेज कैमरास लगे होते हैं, तो वो आपकी एंट्री और एग्जिट जो है वो लेके फिर आपकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हाँ जी बिल्कुल लगे हुए हैं, आगे एवरेज कैमरा आपको दिखाते हैं, तो उसमें आप फिर ना धोखा नहीं दे सकते उनको। तो यहाँ से आगे रोड वर्क्स हैं और लेंस भी 2 हो रही हैं। एक लेन जो है वो रोड वर्क्स की वजह से बंद है, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैफिक है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, उम्मीद है हमें आगे ट्रैफिक नहीं पड़ेगी। अभी आगे मैं आपको एवरेज स्पीड का कैमरा भी दिखाता हूँ जो एवरेज कैलकुलेट करता है। हाँ जी दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो कैमरा है ये एवरेज स्पीड का कैमरा है। ये अभी हम जैसे इससे आगे गुजरे हैं तो इसने नंबर प्लेट जो है वो रीड कर ली है। तो फिर हम जहाँ से एग्ज़िट करेंगे वहाँ से नंबर प्लेट अगेन जो है वो रीड करेगा और उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेगा। अगर तो हम 50 की लिमिट में रहे तो ठीक है, अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो वो आपके घर पर जो है ना वो टिकट आ जाता है, आपको फ़ाइन होता है, या जो भी उसका वो सिलसिला है। हर कौंसल का, हर डिफरेंट एरिया का जो है वो डिफरेंट रूल होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि आपको 50 लिमिट है तो 50 to 3 तक जो है आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर जो है वो आपको टिकट आ सकता है। जी दोस्तों, हमारे एशिया में तो आप ट्रैफिक जैम देखते ही हैं, तो आज यहाँ का भी, यूके का, इंग्लैंड का ट्रैफिक जैम भी देखें। यहाँ से कुछ ट्रैफिक ज्वाइन कर रही है, कुछ लीव कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रा ट्रैफिक बिल्डअप हो गया। तो इंशाल्लाह ये आपको नज़र आ रहा है, आगे अब ये ठीक होता जा रहा है। तो हम अपनी जर्नी को, सफ़र को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी YouTube फैमिली, अभी हम M5 लेने वाले हैं, साउथ M5 साउथ, जो कि हमें आगे डेवन लेके जाएगा, एक्स्टर। तो जर्नी, सफ़र जारी रखेंगे, आपको भी हम साथ रखेंगे। जैसे जैसे होगा हम आपके साथ बात भी करेंगे। ज़्यादा बातें मुझे नहीं आती, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको तंग करता रहूँ। साथ रहिएगा। सर्विसेज पे जा रहे हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट रूम जाते हैं। तो ये देखें, ये जो पहली साइड है ये HGV की है, हैवी ट्रैफिक की है। तो अभी हम जाएंगे, कार्स किधर है, कार्स इस तरफ है, चलें। यहाँ पे होटल भी है, फूड भी है और टॉयलेट्स भी हैं। काफ़ी बिजी लग रहा, 2 आवर्स की फ्री पार्किंग है। तो साथ रहिए आप भी हमारे। जी यूट्यूब फैमिली, हम सर्विसेज पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी रश है और यहाँ से हम जाएंगे अंदर, टॉयलेट यूज़ करेंगे, कुछ खाने पीने के लिए लेंगे। ये बहुत बेसिक सी सर्विसेज हैं, नॉर्मली इस तरह की नहीं होती, अच्छी खासी चीज़ें होती हैं। लेकिन चलें जो भी है, अभी टॉयलेट तो हमें जाना ही है, तो चाय वगैरह भी ले लेंगे यहाँ से, साथ रहिएगा हमारे। जी यूट्यूब फैमिली, थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। सफ़र काफ़ी है, अभी भी 156 किलोमीटर रहता है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। तो हमने ये सोचा कि हम खाना पीना अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर हमें रुकना पड़ेगा सर्विसेज के अंदर और उससे टाइम वेस्ट होगा। तो हम जो है अभी दोबारा हमने रेस्ट रूम यूज़ किया और अभी हमने सफ़र फिर शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम कुछ खाते पीते हैं उसमें आधा पौना घंटा फिर और से लग जाता, और आगे भी हमने अभी 3 आवर्स का सफ़र भी रहता है। तो इसलिए हमने उसको सैंडविचेस हम बना के ले आए थे अपने साथ, तो हम वही खा लेंगे। और पीने के लिए पानी बहुत कम यूज़ करेंगे कि हमें दोबारा रुकना ना पड़े। अगर चाय वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह लेते तो फिर ज़रा आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, उसमें फिर टाइम वेस्ट होता है। तो जब लंबा सफ़र हो तो ये चीज़ें बंदे को अवॉइड करनी होती हैं। तो हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया, आप भी हमारे साथ रहिएगा, तो आपके साथ बातचीत होती रहेगी और आपको भी दिखाते जाएंगे सफ़र, साथ रहिएगा। बहुत बुरी तरह फंस गए थे ट्रैफिक में, काफ़ी 10-15 मिनट वेस्ट हो गए। अभी उससे जान छुड़ा के निकले, तो अभी भी सफ़र उतना ही है और टाइम भी उतना ही है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, अल्लाह पाक खैर करें, आगे इस तरह की सिचुएशन ना बने। तो साथ रहिएगा आप भी हमारे। यूट्यूब फैमिली, अभी हमारी खुशी शुरू हुई थी कि हम रश से निकल आए हैं, बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फुल आगे लाइनें लगी हुई हैं और हम फिर फंस चुके हैं इस रश के अंदर। अल्लाह करे हमारी जान जल्दी छूट जाए इससे, नहीं तो रात के 12 इधर ही फंस जाने हैं। YouTube फैमिली, अभी हम एंटर हो चुके हैं समर सेट में। समर सेट काउंटी है और जैसे ये जो सारा एरिया है समर सेट है, डेवन है, उसके बाद डॉर्सेट है, फिर आगे कॉर्नवाल है। ये जितना भी एरिया है, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं, इसी तरह यूके में ये आप स्विट्ज़रलैंड अल्टरनेट कह सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत है यहाँ पे। अगर आप नेचर आपको पसंद है तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं बहुत बड़े, उसी के अंदर विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, मैसिव जो है ना, ये सारा एरिया आप कह सकते हैं कि ये नेशनल पार्क टाइप ऑफ एरिया है। इंतहाई खूबसूरत है। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। फिल्में ज़रा बच्चों की और अट्रैक्शंस होती हैं, हमारी और होती हैं, तो फिर आपको अपना जो है वो कंप्रोमाइज़ करके बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपको दिखा सकें। एक्समोर नेशनल पार्क है, अगर आप उसको गूगल करें या फिर यूट्यूब पर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना खूबसूरत है। वो समर सेट में है। इसी तरह और भी बहुत से नेशनल पार्क्स हैं। और ये जितना भी एरिया है डेवन का, डॉर्सेट, कॉर्नवाल और ये समरसेट, ये फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। तो साथ रहिएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा सफ़र रवां दवां है, ट्रैफिक आ जाती है, ख़त्म होती है। तो चल रहे हैं, अभी भी 136 माइल रहते हैं और किलोमीटर्स में 190 या 200 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। और टाइम जो है वो अभी भी हमें 2 घंटे से ऊपर चाहिए, 2 से 2.5 घंटे लगभग अभी भी हमें चाहिए इस जर्नी को करने के लिए। अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, ट्रैफिक होगी तो ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। आप भी हमारे साथ रहिएगा। कोई नहीं, आप साथ रहिएगा, साथ की हम शेयर करते जाएंगे आपके साथ, जो कुछ नया होगा, जो कुछ दिखाने की चीज़ होगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे, साथ रहिएगा हमारे। यूट्यूब फैमिली, आप देख सकते हैं हम तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन अपोजिट रोड पे एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक है और ये कोई 1 माइल से ऐसी आई जा रही है और मुझे लगता है ये पीछे अच्छी खासी बिल्डअप हो चुकी है। आगे रोड बंद है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। लकीली हमारी साइड तो फिलहाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी हम 1.5 घंटा दूर है, 74 माइल है, किलोमीटर्स में मेरे ख्याल से 105-10 किलोमीटर्स होगा हमारा सफ़र। और ये जितना भी अभी सफ़र होगा ये इंतहाई खूबसूरत होगा, बहुत अच्छी सीनरी होगी, व्यूज़ होंगे। और बाकी क्योंकि ये सारा जो है ये नेशनल पार्क का ऑलमोस्ट एरिया है, इंतहाई खूबसूरत, फुल ऑफ नेचर, कुदरती माहौल के साथ। बाकी मैं फुल जो हमारे ट्रिप की वीडियो है डोर टू डोर वो मैं 5-6 घंटे की जो भी होगी वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको भी हम लेटर ऑन जब फ्री होगा तो मैं उसको अपलोड करूँगा आपके साथ। 1 घंटा और चाहिए, तो इस तरह से हमें 5 घंटे लगेंगे। वो 10 मिनट की हमने ब्रेक ली होगी बीच में, उसके अलावा हम मुसलसल जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। तो साथ रहिए हमारे, देखते हैं आगे भी। अब तो बोलने की भी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है, थकावट बहुत हो गई है। अभी 4 घंटे और 40 मिनट हो गए हमें सफ़र करते हुए। अभी हम कोई 8 माइल दूर हैं, 12-13 किलोमीटर होंगे। और हमने अपना एक टर्न भी मिस कर दिया था, एग्जिट, जिसकी वजह से हमें मज़ीद जो है वो तीन चार माइल करने पड़ेंगे। तो अभी हम फुल कंट्री साइड के ऊपर हैं, गांव में से ड्राइव कर रहे हैं। तो फुल वीडियो जो है वो आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल पे। होपफुली वीक के अंदर जो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत तंग छोटे रोड्स हैं। तो अभी ये रोड्स हमने 8 माइल 12-13 किलोमीटर करने हैं इन छोटे रोड्स के ऊपर। तो अल्लाह करे खैर वाफियत से कर लें हम, साथ रहिएगा आप भी हमारे। यूट्यूब फैमिली, अपने गांव तो आपने देखे ही हैं, एशिया के और इंडिया पाकिस्तान के। तो इधर के भी आप गांव देखें, छोटे रोड देखें। मुझे तो ये अपने ही लग रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के ही गांव, एशिया के गांव। ये देखें माशाल्लाह, ये छोटा सा तंग सा ब्रिज है। आप भी देखिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मोस्टली आप देख तो रहे होंगे, इतने तंग रोड तो हमारे गांव में भी नहीं होते, एशिया में तो ये तो इंतहाई तंग है यार। यहाँ से अब सामने से गाड़ी आ जाए तो बख्ता पड़ जाना है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। और देख ही सकते हैं आप, ये शदीद तंग रोड है और दो गाड़ियाँ तो सोचो भी ना, एक कोखी लंग रही है। जी यूट्यूब फैमिली, तो अल्लाह अल्लाह करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये छोटा सा बेबी सा रिसेप्शन है इनका, तो यहाँ से जाके कुछ चाबी पकड़ते हैं और चलते हैं आगे अपने कैरेवान के अंदर। तो यहाँ पे गाड़ी हम लगा देते हैं यहाँ, और जाते हैं हम अंदर चाबी लेने के लिए। YouTube फैमिली, हमने जो है वो कलेक्शन कर ली है, अपने कीज़ कलेक्ट कर ली है हमने और मैप भी हमने ले लिया है। ये रहा मैप, तो इसके ऊपर ये मार्किंग कर दी है उन्होंने कि ये कहाँ पे हमारा कैरेवान है। तो बस अब अभी हम उधर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे चल के साथ में। यहाँ पे लोग जो है वो कैंपिंग भी करते हैं। यहाँ पे आके आप जैसे आप देख सकते हैं, ये कैंपिंग वगैरह भी कर रहे हैं लोग, कैंपिंग पॉड्स भी हैं और ये फ्री में नहीं लगा सकते, इसके लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। पे करके रह सकते हैं, फ्री में ये यहाँ पे भी नहीं रह सकते। प्यारी YouTube फैमिली, हम भूल गए रास्ता, मैप थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया तो हम गलत चले गए थे। तो अभी ये है कि हम दोबारा से मुड़े हैं वहाँ से, तो अभी कोशिश करते हैं कि हम सही पहुँच जाएं। अगर ना पहुँचे तो फिर घूमते रहेंगे हम इधर 2-4 घंटे के लिए। ये बहुत खूबसूरत छोटे छोटे कैंपिंग पॉड्स भी बने हुए हैं। ये 2 से 4 बंदों के लिए होता है। इसके अंदर टॉयलेट भी होता है, वॉशरूम भी होता है, शावर भी होता है और 2 से 4 बंदों के रहने की जगह भी होती है। बेड तो 2 का ही होता है, बाकी 2 बेचारे नीचे ही सोते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है कैरेवान से ये सेल पे भी है, तो आप यहाँ पे अपना भी लेके रख सकते हैं और आप इवन आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। पेंडा और आगे यूट्यूब फैमिली बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो जगह जगह पे यहाँ पे घर बने हुए हैं और मैप भी इतना कंफ्यूजिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ढूंढ ही लिया। बस हम उसके पास पास पहुँच चुके हैं। 22 नंबर बड़ी मुश्किलात और काविशों के बाद हमें जो है ये मिल चुका है अपना कैरेवान। तो ये रहा अपना कैरेवान 22 नंबर। तो अभी चलते हैं, इसको अंदर से भी रिव्यू करवाते हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी यहाँ पे रिवर्स में लगाई जाए, सामान उतारने में आसानी होगी। लोकेशन भी ठीक है और ठीक ही लग रहा है। यूट्यूब फैमिली, तो हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं तकरीबन 5 घंटे के सफ़र के बाद और 265 माइल्स और किलोमीटर में मेरे ख्याल से 430-40 किलोमीटर होंगे जो हमने सफ़र किया। 10:30 बजे हम चले थे और तकरीबन 3-3:30 हम यहाँ पे पहुँचे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सामान शान हमने अंदर रख दिया। बहुत प्यारी जगह आपके साथ है और भी हम जो है वीडियोस शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रास्ता दिखाया जाए। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने फुल वीडियो भी रिकॉर्ड की है जो कि पूरी 3.5-4.5 घंटे की जितनी भी बनती है वो सारी रिकॉर्ड की हुई है। वो भी जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं उसको अपलोड करूँगा। जाने की भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए नई नई वीडियोज़, नई नई जगह आपको दिखाएँगे और आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा इस हॉलीडे पार्क के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं ऑलवेज़ इसी के साथ बुकिंग करता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ आगे की जो हमारा स्टे है वो भी शेयर करेंगे वीडियोस और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर पॉसिबल हुई तो वो भी हम आपको देंगे। तो आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे उसका। बच्चे जो हैं वो खेलना शुरू हो गए हैं और बस्ती में मगन है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे होगी बात। और दुआओं में याद रखिएगा और अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।